हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस को, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। ये क्लासेस आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग पीटी और मेंस दोनों के लिए क्लासेस को कवर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स बनवाए जाते हैं, जैसे कोचिंग के अंदर बनवाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं हमारे, वो लोग 20 से 22 पेज छोड़ करके नोट कर सकते हैं, और आपको एक प्रॉपर पेन और कॉपी लेकर के ही बैठ करके पढ़ाई करनी है। ऐसे टहलते या फिर किसी भी तरह से पढ़ाई नहीं करनी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रीमियम कंटेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये हमारी आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर मंदिर स्थापित्य कला के बारे में देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 मंदिर स्थापित्य कला का होने वाला है। और ये आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास नंबर ये 9 है। ओके तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक यूपी पीसीएस, एक बिहार पीसीएस और एक यूपीएससी, जिसे आईएएस के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। और ये 27 जून से स्टार्ट होने वाला बैच है। इसमें ये हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है यूट्यूब पर, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सब विस्तार में इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया। आपको एक जाकर के फॉर्म फिल करना है। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिए। सैकड़ों लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया और सैकड़ों लोगों ने कमेंट कर दिया। आप भी जाकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और 27 जून और आप लोग प्रॉपर रूप से यहाँ पर 1 साल तक आपको सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर जीएस का फुल पोर्शन आप लोगों के लिए कवर कराया जाएगा, पीटी और मेंस दोनों के लिए। देखिए आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस, ऐसा मत समझिएगा कि सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी और हमें अभी तक बताया भी नहीं है। नहीं, जो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही है, ये क्लासेस सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में जो हमारे विद्यार्थी एडमिशन लिए थे हमारी ऐप के ऊपर, तो उन लोगों की कुछ क्लासेस रह गई हैं, तो उन्हीं की आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। ओके तो एक डेली आपको 9 बजे अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों के लिए डेली 9 बजे क्लासेस मिला करेंगी। सभी लोग आकर के टाइम पर क्लासेस को कवर करिए। आप लोगों का पीटी का पेपर हो गया है, बहुत से लोग हैं जो यूपीपीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपीपीसीएस के एग्जाम के बाद आप लोग कवर करने लगिएगा। ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और ये सारी क्लासेस हैं जो भी अचीवर बैच और सेकंड फाउंडेशन बैच से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर एक प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, तो इसमें अचीवर बैच फॉर आईएएस एंड पीसीएस, इसी में आप लोग जाएंगे। यहाँ पर सभी वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएंगी जो अभी हम यहाँ पर यूट्यूब पर आप लोगों को दे रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से। ओके तो यहाँ से आप लोगों के लिए सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे पहले कुछ डेमो वीडियो पड़ी होंगी, ओके तो वो सारी वीडियो नहीं है क्योंकि वो हम उस टाइम आप लोगों के लिए ऐप पर पढ़ाते थे, लेकिन अब प्रॉपर रूप से यूट्यूब पर आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सारे लेक्चर अब आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाया करेंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। लेकिन आज के लेक्चर को देखने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि दोनों लेक्चर एक दूसरे से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं जो डेली हम पढ़ाते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो इस तरह से ड्राइव ओपन हो जाएगी, तो आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से सारी पीडीएफ है वो ओपन हो जाती है। ओके तो देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखे थे लास्ट लेक्चर को, हम लोग यहाँ पर देखे थे। तो ये देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग इस तरह से मंदिरों के जो शैलियां होती हैं, किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता है, वो हम लोग देखे थे। एक ही मंदिर का एक ब्लूप्रिंट हम आपको दिखाए थे, किस तरह से मंदिर का गर्भगृह होता है। गर्भगृह के अलावा आप लोग देखिए, कलर यहाँ पर ले लेते हैं एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि गर्भगृह होता है, इसके चारों तरफ अंतराल होता है इस तरह से घूमने के लिए, तो उसके लिए हम प्रादक्षिणा पथ मार्ग बोलते हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये नागर शैली का मंदिर है, तो इसलिए इसका जो शिखर है वो आपको कुछ इस तरह से रेखीय देखने को मिलेगा, जिसको हम नागर शिखर या फिर आर्य शिखर के नाम से भी जानते हैं। हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। और इसके ऊपर देखिए, इस तरह से आपको जो संरचना दिख रही है, इसको आमलक बोलते हैं, और ऊपर कलश आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से मंडप, महामंडप और निरत मंडप भी आपको इधर देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारी संरचनाएं होती है, तो हम आप लोगों के लिए बताए थे इन सारी चीजों के बारे में, आप लोग देखे थे। तो देखिए, इस तरह से आपको रियल में मंदिर दिखाई देता है, वो हम अभी आपको ब्लूप्रिंट दिखाए थे। और हम आपको बताए थे हमारा भारत है वो काफी विशाल आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से ये भारत है, तो यहाँ पर एक बिंद सिरडी है, इधर कृष्णा नदी है, तो ऊपर नागर शैली के, नागर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है, और नीचे द्राविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है, और मध्य में बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं थी, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि क्या क्या विशेषताएं इन सभी की
सभी विशेषताओं के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, तो हम बार बार इसको नहीं देखने वाले। और साथ में हम आपको बताए थे कि इन मंदिरों के ऊपर बहुत सारे इस तरह से अलंकरण भी किए जाते हैं, मतलब मूर्तियों को उकारा जाता है, राजा रानियों के, अप्सराओं के, और बहुत सारे यहाँ पर चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मिथुन टाइप की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, और देखिए अयोध्या का जो राम मंदिर है वो बनने वाला है, वो भी नागर शैली में ही बनने वाला है, लेकिन उसमें मिश्रित भी देखने को मिलेगा। इसके सामने वाले जो मंडप है उनमें देखिए स्तंभ, बहुसंख्यक स्तंभों का उपयोग भी करा गया है, लेकिन आप देखिए इसका इधर देखेंगे तो देखिए शिखर कैसा है, आपको रेखे देखने को मिलेगा, आमलक उमलक देखने को मिलेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा मिक्स करके बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः ये नागर शैली में ही बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, और यहाँ से आप लोगों के लिए नोट करना है, तो आपको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले हम लोग कल नागर शैली और द्राविड़ शैली के बारे में हम लोग देख चुके हैं, तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोगों के लिए यहाँ से हेडिंग डालनी है नागर तथा द्राविड़ मंदिरों में अंतर, मंदिरों में अंतर। ओके, तो देखिए हम आपको अंतर के बारे में वैसे पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जैसे नागर शैली के जो मंदिर है वो चबूतरे पर बनाए जाते हैं, इनका जो गर्भगृह होता है वो वर्गाकार होता है, शीर्ष होता है वो रेखीय होता है। तो लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें सब कुछ याद होगा। इसी तरह से हम द्राविड़ मंदिरों के बारे में बताए थे कि ये सामान्यतः धरातल से बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और ये चार दीवारी के अंदर बनाए जाते हैं, इनका जो चार दीवारी के अंदर बनाए जाते हैं, और साथ में एक भव्य प्रवेश द्वार होता है, बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है जिसको गोपुरम बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि जो मंदिर बनाए जाते हैं वो पिरामिडा नुमा बनाए जाते हैं, यानी कि तल्ले के ऊपर तल्ला इस तरह से घटते क्रम में बनाए जाते हैं। और एक विशेषता आपको द्राविड़ मंदिरों की देखने को मिलेगी कि उनके प्रांगण के अंदर, मतलब उस बाउंड्री के अंदर एक तालाब होता है, ये उसकी एक विशेषता देखने को मिलेगी। और साथ में कोनों पर सहायक देवी देवताओं या राजा रानियों के भी मंदिर बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम अंतर स्पष्ट करने जा रहे हैं, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बार बार द्राविड़ शैली और नागरी शैली आप लोग पढ़ते रह जाएंगे। तो देखिए इधर आप लोगों के लिए लिख लेना है इस तरह से, नागर शैली एक तरफ आप लोग डाल लीजिए, नागर शैली और दूसरी तरफ आप लोगों को इस तरह से डाल लेना है द्राविड़ शैली। तो देखिए और बीच में इस तरह से लाइन खींच लेनी है, और दोनों तरफ वन बाई वन करके नोट कर लेना है, मतलब पॉइंट फॉर्म में हम नोट कराते हैं। तो देखिए पहले नागर शैली के इधर आपको लिखना है कि इसका शिखर रेखीय होता है, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, थोड़ा सा तेज बोलेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। लिखिए इस नागर शैली में आपको लिखना है इसका शिखर रेखीय होता है, इसका शिखर रेखीय होता है। और द्राविड़ में आपको लिखना है पॉइंट नंबर एक कि इसका शिखर प्रामिडा नुमा आपको देखने को मिलेगा, कैसा प्रामिडा नुमा या फिर प्रामिडाकार होता है। ओके, और ये कैसा होता है, ये आपको रेखीय देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ओके, जल्दी से नोट करिए, द्राविड़ मंदिरों में आपको लिखना है कि इसका शिखर प्रामिडाकार या प्रामिडा नुमा होता है। ओके, और इधर फिर नागर शैली में आपको दूसरा पॉइंट लिखना है कि शिखर के सर्वोच्च भाग पर, शिखर के सर्वोच्च भाग पर आमलक आमलक तथा कलश नामक संरचना बनी होती है, कलश नामक संरचना बनी होती है, कलश नामक संरचना बनी होती है। और द्राविड़ मंदिरों में दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, इसके सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका बनी होती है, इसके सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका बनी होती है। और नागर शैली में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, नागर मंदिर सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं,
नागर मंदिर समानतः ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों के लिए कल पढ़ाए थे, ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। ओके, और इधर आपको द्राविड़ी मंदिरों में तीसरा पॉइंट लिखना है कि यहाँ ऊंचा चबूतरा बनाना आवश्यक नहीं है, यहाँ ऊंचा चबूतरा बनाना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, समानता यह है नीचे से ही बने होते हैं, समानता यह है नीचे से ही बने होते हैं, नीचे से ही बने होते हैं। ओके, इधर आपको चौथा पॉइंट डालना है कि नागर मंदिरों में चार दीवारी तथा प्रांगण के भीतर तालाब निर्माण आवश्यक नहीं है, तालाब निर्माण आवश्यक नहीं है। नागर मंदिरों में चार दीवारी तथा प्रांगण के अंदर तालाब निर्माण आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और द्रावण मंदिरों में आपको चौथा पॉइंट लिखना है कि चार दीवारी तथा प्रांगण में तालाब, चार दीवारी तथा प्रांगण में तालाब, तालाब का निर्माण यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ओके, इधर आपको पांचवा पॉइंट लिखना है नागर के इधर, नागर मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार, नागर मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार बनाना आवश्यक नहीं है, भव्य प्रवेश द्वार बनाना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और द्राविड़ मंदिरों में आपको पांचवा पॉइंट लिखना है, भव्य प्रवेश द्वार जिसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। अभी हम आपको बताए थे गोपुरम, ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, भव्य प्रवेश द्वार यहाँ की खासियत है, भव्य प्रवेश द्वार यहाँ की खासियत है। ब्रैकेट में गोपुरम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। ओके, इसी तरह से आपको छठा पॉइंट यहाँ पर लिखना है, नागर के इधर नागर मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से, नागर मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से, नागर मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से बिंद से हिमालय के बीच, हिमालय के बीच हुआ है, हिमालय के बीच हुआ है। बल्कि आपको इधर देखने को मिलेगा कि द्राविड़ी मंदिरों का निर्माण है वो कृष्णा घाटी से आप दक्षिण में जाएंगे कन्याकुमारी तक, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा द्राविड़ मंदिरों का निर्माण। तो लिखिए इसका निर्माण द्राविड़ मंदिरों में आपको लिखना है, इसका निर्माण मुख्यतः कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच हुआ है, कन्याकुमारी के बीच हुआ है। सातवां पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख देते हैं, आप लोग वहां पर ही लिखिएगा, वास्तुशिल्प की भाषा में नागर मंदिरों को प्रसाद कहा जाता है, नागर मंदिरों को प्रसाद कहा जाता है, नागर मंदिरों को प्रसाद कहा जाता है। और द्राविड़ी मंदिरों को क्या कहा जाता है, इनके लिए विमानन कहा जाता है। तो द्राविड़ी मंदिरों के इधर सातवां पॉइंट लिख लीजिए, इन्हें विमान कहा जाता है, इन्हें विमान कहा जाता है, इन्हें विमान कहा जाता है। ओके, तो देखिए तो हमने दोनों में अंतर स्पष्ट कर लिया, और वैसे तो आप लोग आराम से लिख देते,
फिर भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं बेसर शैली के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों के लिए हेडिंग डालना है बेसर शैली, बेसर शैली। तो देखिए बेसर शैली का निर्माण मुख्यतः किधर हुआ है, तो बेसर शैली का निर्माण है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा जो बिंद शिरडी है और कृष्णा नदी घाटी है इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इधर आप लोग मैप बना लीजिए एक छोटा सा, इस तरह से देखिए इस तरह से आपको कुछ मैप बना लीजिए, और इधर आपको इस तरह से बिंद रेंज देखने को मिलेगी, और इधर आपको इस तरह से कृष्णा देखने को मिलेगी, कृष्णा नदी घाटी या फिर कृष्णा रिवर आप जो भी बोलना चाहते हैं। और देखिए इस वाले रीजन में जिस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है उसे हम बोलते हैं बेसर शैली के मंदिर, हम उसे बोलते हैं। देखिए बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या होती है, तो बेसर जो बेसर मंदिर के बेसर शैली में जो मंदिरों का निर्माण किया जाता है उनमें कुछ विशेषताएं हैं वो नागर शैली से ले ली गई हैं, कुछ विशेषताएं हैं वो द्राविड़ शैली से ले ली गई हैं। तो यानी कि बेसर शैली है वो कोई स्वतंत्र शैली नाम है ना देखकर, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरह से होती है, तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ये मानते हैं गर्भगृह है, क्या है एक गर्भगृह है, ओके। ये मुख्य मंदिर है, इस मुख्य मंदिर के अंदर ही क्या होता है गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है, ओके। अब देखिए ये गर्भगृह यहाँ पर जो भी मुख्य देवी देवता होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, और फिर इसके ऊपर इस तरह से रेखीय रूप में आपको देखने को मिलेगा इसका ऊपर का भाग जो आपको देखने को मिलेगा, और सर्वोच्च भाग पर क्या होती है इस तरह से स्तूपिका देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी इस तरह से स्तूपिका देखने को मिलेगी, स्तूपिका आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसका जो आकार है वो थोड़ा थोड़ा आपको पीपा नुमा आपको देखने को मिलेगा, किस किसकी तरह पीपा नुमा, आपने पीपा देखा होगा ना, पीपा जिसमें पीपा कुछ लोग नहीं जानते होंगे आपको बता देते हैं, पीपा क्या होता है, पीपा वो होता है जिसमें जो सरसों का तेल होता है या फिर रिफाइंड होता है वो टीन की जो केन में आता है उसी के लिए क्या बोलते हैं पीपा बोलते हैं। तो आपको कुछ पीपा नुमा शिखर आपको इसका देखने को मिलेगा, ओके। अब देखिए इस शिखर के बाद में इस तरह से मंडप बना हुआ होता है, ओके, मंडप बना हुआ होता है, महामंडप जो होता है पहले, फिर यहाँ पर आपको अर्ध मंडप देखने को मिलेगा, अर्ध मंडप आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से संरचना होती है बेसर शैली की, ओके। और देखिए अगर बेसर शैली का एक आपको इमेज दिखा दे, ओके एक सेकेंड आप लोग रुकिए, एक इमेज आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा देते हैं बेसर शैली का, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा बेसर शैली के मंदिर आपको कुछ देखने को मिलेंगे। तो बेसर शैली के मंदिर है कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, तो दोनों का आपको इन दोनों का क्या इसमें देखने को मिलेगा मिश्रित रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं इसके ऊपर और आगे इसके बारे में थोड़ा सा बेसर शैली के बारे में नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट फॉर्म में, विशेषताएं बेसर शैली की अगर हम विशेषताओं की बात करें, बेसर शैली की अगर विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसर मंदिरों का निर्माण है मुख्यतः, बेसर मंदिरों का निर्माण है मुख्यतः कृष्णा तथा बिंदिया के बीच किया गया है कृष्णा तथा कृष्णा तथा जो आपको बिंद रेंज देखने को मिलेगी वही, ओके, बिंद्या के बीच किया गया है, बिंद्या के बीच किया गया है, इसका निर्माण 7वीं से 13वीं शताब्दी, इसका निर्माण इसी फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से
तेरहवीं शताब्दी के बीच मुख्यतः तेरहवीं शताब्दी के बीच मुख्यतः मुख्यतः पश्चिमी चालुक्य पश्चिमी चालुक्यों कौमा राष्ट्रकूटों तथा होयसल शासकों द्वारा कराया गया शासकों द्वारा कराया गया शासकों द्वारा कराया गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, बेसर शैली मौलिक शैली नहीं है, मौलिक शैली नहीं है, बल्कि यह नागर तथा द्राविड़ शैलियों के मेल से बनी एक मिश्रित शैली है बनी एक मिश्रित शैली है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, बेसर मंदिरों की धरातल योजना बेसर मंदिरों की धरातल योजना तथा आकार द्राविड़ मंदिरों जैसा बना होता है द्राविड़ मंदिरों जैसा बना होता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा गर्भगृह, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जैसे कि गर्भगृह कौमा विमान। विमान क्या होता है, जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है उसी को विमान बोलते हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विमान, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो मंडप होते हैं वो उसी तरह से स्तंभों के ऊपर बने हुए होते हैं। ओके, इसके अलावा सर्वोच्च भाग पर जैसे स्तूपिका होती है, इसके ऊपर भी सर्वोच्च भाग पर क्या होती है, स्तूपिका होती है। सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका आदि, सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका आदि, सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका आदि, द्राविड़ मंदिरों जैसी बनी होती है, लेकिन इसका अलंकरण अलंकरण का मतलब होता है जो उसको सजाया जाता है, जैसे विभिन्न मूर्तियों के द्वारा डिजाइन बना करके वो उसको बोलते हैं अलंकरण। ओके, तो अलंकरण तत्व एवं सजावट, अलंकरण तत्व तथा सजावट नागर मंदिरों की भांति होती है, नागर मंदिरों की भांति होती है। ओके, अगर आप लोग ना लिख पाया करें तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि सर थोड़ा सा हल्के बोला करें, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम आप लोग को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्लो बोला करेंगे। ओके, अगर स्लो बोलते हैं तो भी आप लोग बताइए कि थोड़ा सा सर स्पीड के साथ में बोला करिए, तो स्पीड के साथ में भी बोल सकते हैं। ओके, जैसा आप लोगों की डिमांड हो वैसे आप बताइए। इसी में आपको चौथा पॉइंट लिखना है कि अधिकांश बेसर मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार होता है, अधिकांश बेसर मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार होता है, लेकिन कभी कभी इसका अपवाद भी मिलता है, लेकिन कभी कभी इसका अपवाद भी मिलता है, इसका अपवाद भी मिलता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे होयसल शासकों
होयसल शासकों के तहत बने मंदिरों का गर्भगृह, होयसल शासकों के तहत बने मंदिरों का गर्भगृह के तहत बने मंदिरों का गर्भगृह बहुकोणीय बहुकोणीय या फिर आपको तारानुमा देखने को मिलेगा, बहुकोणीय या तारानुमा तारानुमा बना होता है, तारानुमा बना होता है, तारानुमा बना होता है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बिसर शैली के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखिए नागर शैली के हमने मंदिर देखे। नागर शैली के मंदिर कैसे होते हैं? चबूतरे पर बने हुए होते हैं। ओके, इनका जो गर्भगृह होता है वो वर्गाकार होता है, शिखर होता है वो रेखीय होता है, या फिर जिसको आर्य या फिर नागर शिखर के नाम से भी जानते हैं। ऊपर आमलक होता है, आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलेगा। फिर आपको महामंडप अर्धमंडप आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये कुछ विशेषताएं होती हैं। लेकिन नागर मंदिरों में भी क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है सभी नागर मंदिर एक जैसे होते हैं, बल्कि नागर मंदिरों में भी बहुत सारी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। अलग अलग जगह के नागर मंदिरों को अलग अलग शैलियों में बनाया गया है, तो स्थानीय स्तर पर इन्हें कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, नागर मंदिरों की क्षेत्रीय शैली, नागर मंदिरों की क्षेत्रीय शैली, क्षेत्रीय शैली। ओके, तो चलिए हम लोग क्षेत्रीय शैली के बारे में बात कर लेते हैं। तो विभिन्न शैलियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये हमारा भारत है। ओके, चलिए हम यहाँ पर अपना भारत, प्यारा सा भारत है वो यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। तो देखिए इधर गुजरात आपको देखने को मिलेगा, इस रीजन में क्या है आपको गुजरात आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपको इस तरह से आपको इधर राजस्थान देखने को मिलेगा। ओके, तो गुजरात के मंदिर, राजस्थान के मंदिर, इनमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। राजस्थान के मंदिर है वहां पर संगमरमर का उपयोग ज्यादा किया गया है, क्योंकि वहां पर संगमरमर की चट्टानें हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं, तो संगमरमर की पत्थरों को काट करके ज्यादा यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में आएंगे, ओके, इधर आप इस तरह से एमपी में आएंगे, तो देखिए जो एमपी है यहाँ पर आपको 70 से अधिक, एक जगह पर ही 70 से अधिक मंदिर आपको संकेंद्रण देखने को मिलेगा। खुजराहो शहर में, खुजराहो मंदिरों के बारे में भी हम आपको दिखाए थे। वहां पर बहुत सारी एडल्ट मूवियां, जो काम वासना वाली जो मूवियां थी जिसको मिथुन मूर्तियां भी बोलते हैं, वो मूर्तियां दिखाई थी। वो कहाँ की थी? वो खजुराहो की आपको देखने को मिली। कुछ उसमें सूर्य मंदिर की भी थी, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ की ही देखने को मिलेगी। ओके, जो आपको देखने को मिलेगा खुजराहो, और इसे विश्व विरासत में भी इसको रखा गया है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खुजराहो समूह आपको देखने को मिलेगा। ओके, और फिर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो इधर आपको इस तरह से उड़ीसा देखने को मिलेगा। ओके, तो उड़ीसा शैली जिसको कलिंग शैली के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर भी विभिन्न शैली में, मतलब कलिंग शैली में या फिर उड़िया शैली में भी 50 से अधिक यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इसी के लिए कलिंग शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलिंग शैली भी बोलते हैं। ओके, कलिंग शैली बोलते हैं। और देखिए जो कलिंग शैली है ये मुख्यतः आपको तीन जगह ज्यादा देखने को मिलेगी। एक पुरी में, ओके, उड़ीसा में ही पुरी पड़ता है। आप लोग विकासापत्तनम से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको पुरी देखने को मिल जाएगा। ओके, तटीय क्षेत्र में ही ये पुरी पड़ता है। अभी आपको दिखा, जैसे कि मानते हैं ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा है तो यहाँ पर आपको पुरी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भुवनेश्वर देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको कोंकण आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर तीन जगह है जहां पर कलिंग शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया है। वो मुख्यतः कौन सी है? आपको पुरी में देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा, पुरी के अलावा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में, और आपको जो कोणार्क में, कोणार्क में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वन बाय वन सभी की हम एक वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए,
नागर शैली के मंदिर, सॉरी नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ है। नागर मंदिर के सॉरी नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ है, मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ है, लेकिन समस्त उत्तर भारत में, लेकिन समस्त उत्तर भारत में, देखिए जो लोग नोट नहीं करते होंगे ना उनका कोई मतलब नहीं है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने, ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन समस्त उत्तर भारत में कुछ स्थानों में, कुछ स्थानों में इनमें क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है, क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है, ओके तो चलिए जो निम्न है पॉइंट फॉर्म में नोट कर लीजिए, जो निम्न है। नंबर एक खुजराहो मंदिर समूह आपको देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश खुजराहो शहर में है, तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा जो निम्न है, उसके बाद में 1 2 3 करके नोट करना है। नंबर एक खुजराहो, खुजराहो मंदिर समूह, मंदिर समूह जिसको चंदेल शैली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं चंदेल शैली भी बोलते हैं, या फिर मध्य प्रदेश के मंदिर भी बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश के मंदिर भी इसको बोलते हैं, ओके। इसी तरह से दूसरा आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा उड़िया या फिर कलिंग मंदिर शैली जिसको बोलते हैं, उड़ीसा जिसको उड़िया भी बोलते हैं, उड़िया मंदिर शैली भी बोलते हैं, उड़ीसा या कलिंग मंदिर शैली। तो देखिए एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। कलिंग मंदिर शैली, मंदिर शैली आपको देखने को मिलेगी, ओके। इसी तरह से तीसरा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान मंदिर समूह, राजस्थान, राजस्थान मंदिर समूह, राजस्थान मंदिर समूह। और चौथा आपको देखने को मिलेगा गुजरात, गुजरात के मंदिर, गुजरात के मंदिर, ओके। तो चलिए हम लोग वन बाई वन सभी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम खुजराहो मंदिर की बात कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर 70 से अधिक मंदिर हैं, उनका आपको संकेंद्रण आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इन मंदिरों का निर्माण चंदेल और कछवाहा शासकों के द्वारा उनके संरक्षण में यहाँ के मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर मुख्यतः दो धर्मों के मंदिर देखने को मिलेंगे, या एक तो हिंदू धर्म के मंदिर देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पार्श्वनाथ और शांतिनाथ के मंदिर यहाँ पर काफी प्रमुख हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डालिए नंबर वन वाली हेडिंग खुजराहो के मंदिर, नंबर एक खुजराहो के मंदिर, खुजराहो के मंदिर, ओके। तो जो खुजराहो के मंदिर समूह हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, तो खुजराहो कहाँ पर है, तो आप लोगों को खुजराहो देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, तो इस तरह से छोटा सा आप इस तरह से मैप बना लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश है मानते हैं, ये क्या है मानते हैं एमपी है, एमपी में यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा खुजराहो, ओके खुजराहो आपको देखने को मिलेगा, ओके। और देखिए खुजराहो में यहाँ पर ये जो पन्ना की खान है ना, तो पन्ना की खानों से यहाँ पर जो पत्थरों को निकाल करके विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया था। पन्ना की खान आपको, आप लोग जानते होंगे जो पन्ना की खान है वो आपको बहुत बड़ी खान देखने को मिलेगी, हीरो की खान, डायमंड की खान आपको देखने को मिलेगी, लेकिन रिसेंटली उसको बैन कर दिया गया, लेकिन अभी एक दो जगह है वो अभी भी वहां पर अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि वहां पर एक एक खान के अंदर 5 से 7 हजार लोग हैं वो कार्य करते हैं, अगर सारी खानों को एक साथ बंद कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर वहां पर जो आजीविका का जो साधन है वो नष्ट हो जाएगा। तो स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए वहां पर अभी भी जो खनन का कार्य है वो प्रारंभ है, लेकिन मैक्सिमम जगह बंद कर दिया गया। बंद करने का कारण क्या है आप लोग जानते हैं, पन्ना में
पन्ना बाघ अभयारण्य भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब टाइगर रिजर्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वहां पर जो जंगल है तो उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है खनन के कारण। तो वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण के अंतर्गत ये कदम उठाया गया कि खनन कार्य वहां पर प्रतिबंधित किए गए हैं, लेकिन लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए अभी भी कुछ जगह पर खनन कार्य हैं, वहां पर प्रारंभ है, लेकिन अभी भी इलीगल माइनिंग है वो हर जगह होती रहती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहां पर आपको यहाँ यहाँ लगभग यहाँ लगभग 70 से अधिक मंदिर, 70 से अधिक मंदिर हैं जो समूह के रूप में, जो समूह के रूप में बने हुए हैं, जो समूह के रूप में बने हुए हैं। इनका निर्माण चंदेल बा कछवाहा शासकों के द्वारा, कछवाहा शासकों के द्वारा कराया गया है। यहां अनेक देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, देवी देवताओं के मंदिर बने हैं। यहाँ दो धर्मों के मंदिर हैं, दो धर्मों के मंदिर हैं। तो कौन से दो धर्मों के मंदिर हैं? एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे जैन मंदिर। अगर यहाँ पर हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर दो धर्मों के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, एक तरफ जैन मंदिर हैं, ओके, जैन धर्म से संबंधित जो आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा आपको हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे। अगर हम जैन मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः आपको दो लोगों के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर एक पार्श्वनाथ का मंदिर, ओके, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि शांतिनाथ का, यहाँ पर शांतिनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसी तरह से अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करें तो हिंदू मंदिर की यहाँ पर संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर हिंदू मंदिरों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैष्णव मंदिर है वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कौन से? वैष्णव मंदिर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए जैसे कि पॉइंट फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए, ओके, तो नंबर एक चतुर्भुजीय मंदिर, ओके, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तीसरा आपको देखने को मिलेगा बारह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के मंदिर भी बने हुए हैं, और साथ में यहाँ पर शैव मंदिर भी आपको यहाँ पर बहुत संख्यक में देखने को मिलेंगे। शैव मंदिरों की अगर हम बात करें, शैव मंदिर में जो काफी प्रमुख हैं, एक आपको देखने को मिलेगा जो कंदरिया का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा विश्वनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर तीसरे आपको देवी या फिर जो शाक्त का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा वाला, देवी या फिर शाक्त का मंदिर,
शाक्त का मंदिर, तो इसमें आपको एक देखने को मिलेगा 64 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जगदम्बा मंदिर, जगदम्बा मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर मंदिर हैं जो यहाँ पर आपको खुजराहो समूह के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम इनकी विशेषताओं के बारे में नोट कर लेते हैं। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है विशेषताएं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आप लोगों को हेडिंग डालना है विशेषताएं। एक्चुअली इस रूम में पानी बहुत गर्म हो जाता है, जल्दी से नोट करिए, फिर हेडिंग डालिए विशेषताएं। विशेषताओं में लिखना है खुजराहो के मंदिर, खुजराहो के मंदिर, खुजराहो के मंदिर का निर्माण, मंदिरों कर लेना ओके, क्योंकि बहुत सारे मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खुजराहो के मंदिरों का निर्माण, खुजराहो के विशेषताओं में आपको पहली विशेषता ये लिखनी है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। एक सेकेंड आप लोग रुकिए, यहाँ पर आप लोगों को खुजराहो के मंदिर की विशेषताएं लिखना है, विशेषताएं ओके। अगर हम विशेषताओं बात करें तो पहली विशेषता है खुजराहो के मंदिरों का निर्माण, खुजराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल तथा कच्छवाहा शासकों द्वारा, कच्छवाहा शासकों द्वारा पूर्व मध्य काल में कराया गया, पूर्व मध्य काल में कराया गया, पूर्व मध्य काल में कराया गया। इसका मुख्य संकेंद्रण, देखिए संकेंद्रण कैसे लिखा जाएगा, मुख्य संकेंद्रण खुजराहो शहर में, देखिए जो कठिन कठिन वर्ड है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओके। तो आप लोग ऊपर देख लिया करिए, खुजराहो शहर में है, मुख्य संकेंद्रण खुजराहो शहर में है। यह है मंदिर मुख्यतः, यह है मंदिर मुख्यतः जैन तथा हिंदू धर्म के तहत बने हैं, यह है मंदिर मुख्यतः मुख्यतः जैन तथा हिंदू धर्म के तहत बने हैं, जैन तथा हिंदू धर्म के तहत बने हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है, दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है खुजराहो मंदिर का निर्माण, खुजराहो मंदिर नहीं मंदिरों कर रहे ना, खुजराहो मंदिरों का निर्माण, खुजराहो मंदिरों का निर्माण स्थानीय सामग्री से किया गया है, स्थानीय सामग्री से किया गया है। अधिकांश मंदिर पन्ना के खानों से निकाले गए, पन्ना के खान से निकाले गए हल्के गुलाबी पत्थर, पन्ना के खान से निकाले गए हल्के गुलाबी पत्थरों से बने हैं, हल्के गुलाबी पत्थरों से बने हैं, हल्के गुलाबी पत्थरों से बने हैं, हल्के गुलाबी पत्थरों से बने हैं। देखिए इस तरह से आपको पन्ना की खान आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से खुदी रहती हैं, बहुत सारी खाने होती हैं, एक एक खान के अंदर 5 से 7 हजार लोग हैं वो इसमें माइनिंग का कार्य करते हैं ओके। आजीविका बहुत ज्यादा स्थानीय लोगों की आजीविका है वो इसी पर डिपेंड करती है, लेकिन इसकी खनन से पर्यावरण को काफी क्षति होती है ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इसको चलिए छोटा कर देते हैं। और इसी में
हल्के गुलाबी पत्थर हैं वो निकले हैं, उन्हीं पत्थरों से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए तराव के मंदिरों का निर्माण किया गया है। ओके, तो इसके अलावा आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना है। तीसरा पॉइंट, यहाँ के मुख्य मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर, यहाँ के मुख्य मंदिरों में आपको लिख लेना है, जैसे कि पार्श्वनाथ का मंदिर कौमा शांतिनाथ का मंदिर कौमा चतुर्भुज मंदिर कौमा लक्ष्मण मंदिर कौमा बारहा मंदिर कौमा बाहरा मंदिर कौमा कंदरिया का मंदिर कौमा विश्वनाथ का मंदिर कौमा चौसठ योगनी मंदिर एवं जगदम्बा का मंदिर यादी हैं जगदम्बा का मंदिर यादी हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, जगदम्बा का मंदिर यादी हैं। चलिए चौथा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, खुजराहो के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। खुजराहो के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो आपको सभी नागर मंदिर की जो नागर मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वो सभी की सभी आपको लिख देनी है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि इन मंदिरों का निर्माण चबूतरे पर किया गया है, इनका फिकर है वो आपको रेखीय देखने को मिलेगा जिसको नागर फिकर भी बोलते हैं। ओके, गर्भगृह के सामने यहाँ पर महामंडप और अर्ध मंडप बने हुए होते हैं, और शिखर के ऊपर आपको आमलक देखने को मिलेगा और आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको विशेषताओं के बारे में लिख देना है। तो जितनी भी विशेषताएं नागर शैली के अंतर्गत आपको पढ़ाई थे वो सभी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ओके, जब क्वेश्चन पूछेगा तब। ओके, इसके अलावा आपको पांचवा लिखना है। ओके, खुजराहो के मंदिरों के शिखर खुजराहो के मंदिरों के शिखर मंदिरों के शिखर मंदिरों के शिखर ऊंची उठी हुई पहाड़ियों के अनुकरण में ऊंची उठी हुई पहाड़ियों के अनुकरण में ऊंची उठी हुई पहाड़ियों के अनुकरण में छोटे छोटे शिखरों के रूप में बनाए गए हैं। छोटे छोटे शिखरों के छोटे छोटे शिखरों के रूप में बनाए गए हैं इन्हें। तो छोटे छोटे शिखरों के रूप में बनाए गए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उरु श्रंग कहते हैं। 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 इन्हें उरु श्रृंग कहते हैं। देखिए आपको एक दिखाते हैं, मंदिर हमारे पास में पड़ा हुआ होगा, एक सेकंड रुकेगा, ये देखिए।
ये देखिए, वैसे तो ये वाला मंदिर नहीं है, लेकिन आपको इसी में समझा देते हैं क्योंकि अभी हमको वो मिला नहीं है। ओके, तो देखिए इसी में हम आपको समझा देते हैं किस तरह से ये शिखर बने हुए। तो देखिए, जैसे कि एक मेन शिखर है, तो जैसे कि पहाड़ी कैसी होती है, ऐसी पहाड़ी होती है ना, तो इसमें क्या छोटे छोटे शिखर के रूप में, इस तरह से देखिए ये शिखर के रूप में छोटे छोटे शिखर, देखिए ये शिखर, फिर क्या है ये शिखर, तो छोटे छोटे ऐसे शिखरों के रूप में, विभिन्न शिखरों के रूप में बने हुए हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। छोटे छोटे शिखरों के रूप में बनाए गए हैं, इन्हें उरु सुरंग कहते हैं, इन्हें उरु सुरंग कहते हैं, उरु सुरंग जो शिखर है इन्हीं का नाम बोला जाता है। ओके, आपको छठा पॉइंट डालना है, यहाँ पर छठा पॉइंट आप लोग डालिए, खुजराहो के मंदिर अपने भव्य स्थापत्य के साथ साथ, भव्य स्थापत्य के साथ साथ सुंदर एवं आकर्षक शिल्पांकन के लिए, सुंदर एवं आकर्षक शिल्पांकन के लिए भी जाने जाते हैं, शिल्पांकन के लिए भी जाने जाते हैं। मंदिरों के बाहरी भागों या दीवारों, आप कुछ भी लिख लीजिए, बाहरी भागों या दीवारों पर खूबसूरत कौमा भव्य साज सज्जा, खूबसूरत एवं भव्य साज सज्जा से युक्त भारी संख्या में, साज सज्जा से युक्त भारी संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया गया है, मूर्तियों का निर्माण किया गया है, मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, इन मूर्तियों में देवी देवताओं कौमा देवी देवताओं कौमा देव कन्याओं कौमा गंधर्व, ओके, गंधर्व, गंधर्व का जो प्रेम करते हुए एक तरह से जो मूर्तियां बनी होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। ओके, गंधर्व कौमा अप्सराएं, जो परीलोक की अप्सराएं, वो 36 तो हूर मिलेंगी वही वाली। ओके, अप्सराएं कौमा मिथुन तथा सामान्य स्त्री पुरुष, मिथुन तथा सामान्य स्त्री पुरुष, सामान्य स्त्री पुरुष की नृत्य एवं संगीत करते हुए, नृत्य एवं संगीत करते हुए मूर्तियां शामिल हैं, मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां आध्यात्मिक के साथ साथ, ये मूर्तियां आध्यात्मिक के साथ साथ, ये मूर्तियां आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक मुद्राओं में भी बनी हैं, भौतिक मुद्राओं में भी बनी हैं। अनेक मूर्तियों को काम क्रिया में रत दिखाया गया है, काम क्रिया में रत दिखाया गया है। जैसे भौतिक मुद्राओं में विभिन्न मूर्तियां दिखाई गई हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। ओके, जैसे कि कुछ यहाँ पर इमेज लगता है आई नहीं है, मैं सेंड करना यहाँ पर भूल गया हूँ, कुछ इमेज बनना आप लोगों के लिए दिखाते हैं। जैसे कि आप एक एक ये वाली मूर्ति देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर विशिष्ट आपको इस तरह से मुद्रा देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर विशिष्ट एक मुद्रा इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखिए
किसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ओके, इसी तरह से बहुत जो जो ऋषि मुनि होते थे वो विभिन्न मुद्राओं में बैठे हुए बनाए गए हैं, वो सभी की हमारे पास इमेजेस नहीं है, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब यहाँ पर हमने शायद वो हमने यहाँ पर डाउनलोड तो किए थे, यहाँ पर सेंड नहीं किए हैं। इसी तरह से देखिए, इस तरह से अप्सराओं के भी फोटो इस तरह से बनाए गए हैं। देखिए ये क्या है, ये अप्सराएं एक तरह से हैं कि मतलब परलोक की जो परियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, उनको इस तरह से चित्रित किया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से देखिए बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियां। ये नेक्स्ट पॉइंट हम अभी आपको लिखाएंगे भी। देखिए यहाँ पर ये दिखा देते हैं, बार बार मूर्तियों को हमको लगाना पड़ता है, एक ही बार आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो अलंकरण पक्ष है, देखिए एक एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक अलंकरण पक्ष है यहाँ पर। देखिए जैसे एक महिला है, उस महिला के बाल जो केस हैं, उन केसों को भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो एब्रो होती है उसको भी विशेष ध्यान दिया गया है, उसमें भी अलंकरण पक्ष को, उभार पक्ष को काफी अच्छे से समान लग गया है। देखिए एक 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 चीज है वो आपको क्लियर इस तरह से दिख जाएगी। देखिए जैसे कि ये कपड़ा है, तो कपड़ा भी इसमें दिखाया गया है। वैसे एक पत्थर पर मूर्ति को करना बहुत ही जटिल काम होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये क्या पकड़े हुए, इस तरह से वस्त्र कोई पकड़ा हुआ है, मतलब पकड़ी हुई है ये, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को यहाँ पर उकेरा गया है। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी तरह से आभूषण भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अभी हम आपको बताए थे वैसे कि जो काम क्रिया में रत बहुत सारी मुद्राओं को बनाया गया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी मुद्राएं हैं, इनको उस भाषा में मिथुन मुद्राएं भी बोलते हैं। ओके, और देखिए जैसे कि यहाँ पर संभोग करते हुए ये मुद्राएं कुछ बनी हुई हैं, और यहाँ पर सामूहिक रूप से भी ये करते हुए दिखाए गए हैं। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं और विभिन्न मूर्तियों को इस तरह से उकेरा गया है। देखिए अभी थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, हम ज्यादा मूर्तियां नहीं दिखा सकते हैं, आप लोग खुद भी जाकर के देख लीजिए, वैसे इतनी जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो आपको सब कुछ यहाँ पर बता दी गई है। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले टाइम देख लेते हैं कितने देर का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है। एक्चुअली 1 घंटे से ज्यादा का अभी लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। ओके 57 मिनट का लेक्चर हो गया, तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके एक्चुअली हमको आज या कल हमको घर भी जाना पड़ेगा, घर जाएंगे फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर मिलते रहेंगे। एक्चुअली हम आपको इसलिए इतना लंबा लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं 2 घंटे का, अभी आप लोगों के लिए 1 घंटे का लेक्चर इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि अभी हम घर जाएंगे, तो घर जाने पर वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर मतलब इंटरनेट का मतलब वहां पर वाईफाई वाली सुविधा नहीं है, इथरनेट नहीं पड़ा हुआ है, तो मोबाइल से ही अपलोड करना पड़ेगा। तो मोबाइल से अपलोड करेंगे तो 1 घंटे की ही मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होती है वो 250 GB की आपको देखने को मिलेगी। तो जो 250 GB मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमें 2 सिम में नेट कराना पड़ेगा, तब हम एक वीडियो अपलोड कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 1 घंटे की। और अभी हम 2 घंटे की आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर बीच में आपको 50 मिनट 60 मिनट की वीडियो मिला करेगी, तो सर गएंगे, आप लोग सोचेंगे कि सर कभी इतनी लंबी वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं, कभी छोटी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी वीडियो है वो 1-1 घंटे की ही आपको जाए, जिससे कंसिस्टेंसी आपकी उसी तरह से बनी रहे। ओके चलिए इस लेक्चर को आज यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आपको यहाँ पर प्रीमियम कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, आपके प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे उड़ीसा की जो कलिंग शैली है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो हो सकता है आज रात में या कल रात में हमको घर निकलना हो, घर निकलेंगे फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर मिलते रहेंगे। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर आप फेस के साथ में आपको लेक्चर दे रहे हैं, फिर बाद में आपको विदाउट फेस के साथ में कुछ लेक्चर, आपको 4-5 लेक्चर या फिर 8-10 लेक्चर हैं, हो सकता है घर पे कितने दिन रुकना पड़ सकता है वो हम नहीं जानते हैं, 4-5 दिन या फिर 8 दिन, लगभग में 1 वीक तो लग जाएगा। तो 8-10 वीडियो है वो आपको विदाउट फेस की मिला करेंगी, लेकिन आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगी, किसी भी दिन स्किप नहीं होगा, क्योंकि केवल संडे को वीडियो नहीं मिलती है, तो संडे वाले दिन छुट्टी रहा करेगी, अदरवाइज आपको डेली एक लेक्चर आप लोगों के लिए मिला करेगा। और ये लेक्चर सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच के हमारे स्टूडेंटों के लिए है। चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।